ليتكم شيتي ليتكم شيتي شيتي ليتكم 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 شيئتي ليتكم شيئتي ليتكم شيئتي ليتكم شيئتي ليتكم شيئتي ليتكم شيئتي تم بھی عاشور کے دن جو ہوتے سبھی میرے بچے کی تھی دیکھتے تشنگی مثل مچھلی کے ہاتھوں پہ تڑ پہنسی لیتا تم شیعتی لیتا تم شیعتی ليتكم شيئتي ليتكم شيئتي سامنے دریا پانی کا بہتا رہا لب پہ سوکھی زباں وہ پھر آیا کیا رحم اس پہ کسی کو بھی آیا نہیں ليتكم شيئتي ليتكم شيئتي ليتكم شيئتي ليتكم شيئتي سب پہ ظاہر تھی معصوم کی کم سنی کم سنی میں قیامت کی یہ مزار شہید سالس کے نام سے فیمس ہے. یہ تیسرے شہید ہیں اور ان کے تین شرف بھی ہیں. ایک تو شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے اور دوسرے شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے وہ اپنا فرزند بہت بیٹا کا دیا کہ جو لوگ کا بلا نہیں جا سکتا اور کیا خصوصیات تھی ان میں شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے. شجرا ان کا چوتھے امام کی ستائیسویں پشت میں سے ہیں اور عالم تھے اور اکبر کے ٹائم میں اکبر نے بلایا تھا ان کو اور آپ نے 112 کتابیں بھی لکھی ہیں. 111 کتاب کا نام ہے مجالس المومنین اور 112 اور آخری کتاب اس کا نام ہے ایک آنکھ الحق اور ان کی کتابیں کورس وغیرہ میں پڑھائی بھی آتی ہیں. یہاں یونیورسٹی ہیں ممبئی نجف میں اور جب یہاں آئے تھے شہید سال تو شیعت وجود میں نہیں تھی. بہت سی جگہوں پہ لوگ تقریر کی حالت میں رہتے تھے, شیعہ انتظار نہیں کرتے تھے. فائز صاحب نے شیعت کے اوپر بھی کام کیا, شیعت کو بھی بڑھاوا دیا اور اکبر کے دربار میں 120 قاضی تھے. اس میں سے 9 خاص تھے اکبر کے, جس کو اکبر 9 رتن بولتے تھے. ان 9 رتن میں 5 عالم شیعہ تھے. ایسے تو شیعت کا کوئی وجود نہیں تھا اتنا, لیکن سینٹر میں حکومت میں شیعت
उस वक्त भी उर्वी पे थी कि शहीद साले रहा है, तो शहीद साले इस नौ रतन में से नौ रतन में से पांच आलिम शिया थे, जिसमें शहीद साले सत्री हुए। और ये तो इनकी खसूसियात है। अभी यहाँ कैसे आए, अकबर को एक बड़े आलिम तलाश थी, अकबर ने और उलमा से कहा तो आलिमों ने बताया कि ईरान में एक शहर है शूस्टर, वहाँ आप वहाँ पे शूस्टर में नूरुल्ला है, उनसे आप रब्ता करें। अकबर बादशाह ने इनके पास पैगाम भेजा शहीद सालिस के कि हम चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान आ जाइए काजी के लिए। तो आपने वहीं से जवाब किया कि मैं जो फैसले दूंगा वो चारों फिरकों के अंदर दूंगा, उनकी किताबों के हवाले से। अकबर ने तस्लीम कर लिया, आए उदी पे फायद हो गए। कुछ अरसे बाद अकबर इनके इल्म से किरदार से इतना मुतासर हुआ कि उसने अपने दरबार में एक बैठक आयोजित करी और उसने सारे काजियों को बुलाया। उसने ये ऐलान किया इनको काजी के उदे से हटा के काजी खुदात का उदा दिया और लाहौर का चीफ जस्टिस। ये चीज और काजियों को बहुत नागवार गुजरी कि हम इनसे सीनियर हैं और इन ये अभी आए कुछ ही ऐसा हुआ है, इनको काजी खुदात का उदा दिया। लेकिन वहीं से उन काजियों के दिलों में जलन असर दुख सीना बैठ गया और वो कुछ वक्त तो कुछ नहीं कर सके अकबर के टाइम में, क्योंकि अकबर वैसे आदमी थे। लेकिन अकबर के मरने के बाद उसका बेटा सलीम तख्त पर बैठा, तो उस वक्त इन लोगों ने एक साजिश के तहत ये शहादत एक लड़के को शागिर्द बना के इनके पास रखवा दिया था कि आप बुजुर्ग हैं, इस लड़के को रख लीजिए और ये आपके कामों में आएगा, आपकी खिदमत करेगा। काजी साहब ने उस लड़के को रख लिया था। लेकिन कुछ अरसे बाद जब उसके ऊपर इत्मीनान सा हो गया तो काजी साहब की एक सुबह में किताब लिखी जा रही थी एक आखिर हक, तो उसमें उस लड़के को काजी साहब किताब बोलते थे वो लिखता जाता था और वो लड़का उस किताब की नकल उन मुखालफीन में पहुँचाता रहा। और जब वो किताब कंप्लीट हो गई तो जैसे 111 छपी काजी साहब की तो 12वीं छपती, लेकिन इनसे पहले उन लोगों ने मुखालफीन ने एक आखुल हकीक किताब के नाम से उस किताब को छपाया और अपनी तरफ से बातें ऐड करके शामिल कर दी, इनके ऊपर इल्जाम लगा के उस किताब को छपा दिया और उस वक्त पेश किया जब जहांगीर बादशाह नशे की हालत में रात को दरबार में बैठा हुआ। उस वक्त ये सारे काजी गए प्लानिंग के तहत इशादत में और वहां जाके उन लोगों ने जहांगीर बादशाह ने पूछा कि कैसे आना हुआ, तो आगे हम काजी साहब के बारे में बात करने हैं, शहीद सालिस के कहा क्या बात करनी है। तो कहा देखिए साहब, काजी साहब जो अपनी किताबें लिखते हैं वो उसमें इन्होंने गलत हवाले दिए हैं और मजहबों के बारे में बुरा भला लिखा है और ये इनके ऊपर ये इल्जाम हैं। तो उसने कहा आप लोग क्या चाहते हैं, तो इन लोगों ने कहा कि हम इनकी सजाए मौत का देने शहीद के जाए, इनका जिंदा रहना सही नहीं है, इनसे आपको आपकी हुकूमत को भी नुकसान पहुंच सकता है। उसने कहा ठीक है आप लोग सब दस्तखत करके लाइए। इन लोगों ने सबने दस्तखत किए इनकी शहादत पे। इतने 122 आदमियों के दस्तखत हैं और इन लोगों ने दस्तखत करके जहांगीर को दिए। जहांगीर ने फरमान लगाई ऑर्डर की इनकी शहादत के, अब इन्हें दूसरे शहादत नामा सुनाया गया। कि जो आपको शहीद करने का हुक्म है, तो आपने पूछा कि जो मैं तो कहा कि आपने ऐसे ऐसे अपनी जो किताब लिखी है एक आखिर उसमें गलत हवाले दिए हैं और ये इल्जामात हैं आपको ऊपर ये बातें हैं। भाई साहब ने मेरी किसी किताब में ऐसी बात नहीं मिलेगी ना मैंने लिखी है, ये भी आप लोग कह रहे हैं तो मुझे इसका वक्त ही जाए इसलाह करने का, साबित करने का, मैं साबित करूँगा। कहा इसका अभी साबित करने का वक्त नहीं है, या तो आप इस किताब की रद्द लिखिए या आपको शहीद किया जाएगा। तो आपने उस किताब की रद्द नहीं लिखी और शहादत के लिए तैयार। जब कहा गया कि आप इस किताब की रद्द लिखिए या आपको शहीद किया जाएगा, तो खाली साहब ने कहा मैंने जो लिखा है हक लिखा है सही लिखा है, मैं अपना फैसला नहीं बदलूँगा। तो कहा आपको शहीद किया जाएगा, कहा मंजूर है। शहादत होने से पहले दो रकात नमाज पढ़ने की,
इजाजत मांगी, दो रकात नमाज पढ़ी, पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, उस पर कुरान की आयत लिखी, उसको ऊपर फेंका, वापसी में वो गिरा तो उसके दूसरी साइड में दूसरी आयत आई लिखी हुई, अल्लाह से रजा मांगी, परवरदिगार ऐसे ऐसे हालात है तेरी की अमर दी है, ऊपर से जो दूसरी आयत आई तो उसमें इन अल्लाह मासाबिन सब करने वालों के साथ अल्लाह है। जब जवाब आ गया कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, तीन सजाएं इनके लिए पहले से तय करके रखी गई थी, बस इन्होंने पहली सजा इनको शीशा पीस के गला के पिघला के पिलाया गया, दूसरी सजा 100 कोड़े लगाए गए, 80 कोड़ों में शहादत हो गई थी लेकिन 20 कोड़े और लगाए गए, और तीसरी सजा इनकी बुद्धि से काट के इनकी जबान खींच ली गई, चौथे इनकी लाश को फेंक और कफन एक मलगले पे डलवा दिया गया, और पांचवे ये जहांगीर बादशाह की तरफ से ऐलान हो गया कि इनको दफन कोई नहीं करेगा, और इनकी लाश 3 दिन वहां पे रही, जहां बदबू रहती थी वहां खुशबू मुहतर हो गई, और दूर दूर तक और लाश हवा पे मुअल्लक हो गई, 3-4 फीट ऊपर हवा पे मुअल्लक रही 3 दिन, और ये तो शहादत की बात है। इसके बाद शहजादी ने इनको अपना फर्जंद कहा है, बेटा कहा है। तीसरे दिन एक ये आलिम फौजी भी थे, आलिम भी थे, उनके ख्वाब में शहजादी आई और कहा कि तुम आराम से सो रहे, मेरा फर्जंद आगरे की सरजमीन पे बेगोरो कफन पड़ा है, जाओ उसका कुछ कफन करो, दफन करो। रात के कौन से हिस्से में उन्हें वो बशारत हुई, ख्वाब लिखा, कब चले, सुबह होते होते यहाँ आ गए थे, जहांगीर से मिले, जहांगीर ने पूछा कैसे आना हुआ, तो आपने कहा कि मैं काजी नूरुल्लाह की लाश को लेने आया हूँ, दफन करना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त चाहिए, तो उसने इजाज़त भी दी जहांगीर बादशाह ने, और ये भी कहा कि दफन दफन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत हो तो ले लीजिएगा। आलिम फौजी ने कहा कि इनका दिन हुआ सब कुछ है, आप खाली इजाज़त दे दीजिए, तो उसने इजाज़त दी और ये कह दिया था चलते वक्त उन फौजी से कि इनको आप शहर में दफन मत करिएगा, शहर के बाहर ले जाके दफन करिएगा। तो वो आलिम फौजी उनके साथ 3 मोमिन और थे, या लाश थी, लाश को लिया और 3 मोमिन और थी, 4 लोग यहाँ आए, जमीन खरीदी, उस लोग कफन दिया, दफन करके फिर वो आलिम फौजी चले गए थे और एक तख्ती लगा गए थे शनाख्त के लिए इनकी वफात की तारीख, और उसके बाद में इनके जाने के बाद में 300 साल तक ये ओपन नहीं हुआ, खुलासा नहीं हुआ कि काजी साहब यहाँ दफन है। उसके बाद सरकारी नासरुद्दीन मिल्लत इन लोगों ने इनकी किताबें भी पढ़ी थी, आलिम थे उनमें, आयतुल्ला भी थे, और उन लोगों ने उनको वो हुआ कि आगरा जाएं, आगरा आए वो यहाँ पे, और यहाँ कब्र ढूंढी उन्होंने, और यहाँ पे जंगल था खौफनाक भी आबाद जंगल, मालूमात करी, तहकीकात करी, फिर उसके बाद में कब्र ढूंढी, कब्र ढूंढने के बाद में वालिम फौजी तख्ती लगा गए तो उससे शनाख्त हुई, और फिर उसके बाद में कब्र ढूंढने के बाद में उन लोगों ने यहाँ पे कच्ची कब्र थी, झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, वो भी आंधी तूफान पानी में बराबर हो गई थी, लेकिन उस कब्र को सही शक्ल में किया, सही दिशालिश की, फिर उसके बाद में यहाँ पे लोगों के आने जाने का सिलसिला बनाया, और लोग आते भी थे तो काफले बना के आते थे, दिन ही दिन लौट जाते थे, और यहाँ लाइट वाइट भी नहीं थी, जंगल था खौफनाक व्यापार। उसके बाद में यहाँ सालाना मजलिसों का इस जगह को उजागर करने के लिए, फेमस करने के लिए 4 दिन का प्रोग्राम रखा, सालाना मजलिस होगा जिसको 110वां साल अब होगा फरवरी में, 21 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा, 4 दिन की इनकी सालाना मजलिसें होती हैं, और 2 दिन का प्रोग्राम और होता है बरसी का इनकी शहीद सालिस की, वो भी 25-26 फरवरी में है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे सालाना मजलिसों का प्रोग्राम रखने के बाद, फिर उसके बाद में चंदा पैसा डोनेशन इकट्ठा किया, करबला गए, वहाँ से नक्शा लेके आए और ये रोज़ा तामीर करवाया, 55-56 साल होने जा रहे हैं, ये रोज़ा जो तामीर आप देख रहे हैं ये रोज़ा उन्हीं लोगों ने
तामीर किया सरकारी सिंधु मिलत और नासुर मिलत ने, और आगे यहाँ गेट था उसमें पत्थर भी लगा था बाबे शहीद शहीद उल्मिल्लत साहब ने इस रोजे की इब्तिदा करी थी, और इनके फाउंडर बानी वही सरकार वही लोग हैं। उसके बाद में लोग आते गए, इनके वसीले से दुआएं मांगते गए, पूरी होती गई। अहले बैत का वास्ता देके खाली साहब के वसीले से दुआएं मांगते गए, पूरी होती गई, और आज दुनिया के कोने कोने में आलम जाकिर अपनी अपनी तकरीरों में मजलिसों में इनका जिक्र करते हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं और हर मजहब के लोग आते हैं, और यहाँ मुरादें पूरी होती हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम इस शहीद काजी नूरुल्लाह शुस्ती के मज़ार पे हैं। आप ईरान से आए थे, मगरूब के दौर में आप यहाँ के काजी हुआ करते थे, फिर आपने शियत के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें एक आपकी बहुत मशहूर किताब है अहकाम अल हक। तो उस वक़्त के कुछ लोगों ने आपके खिलाफ वही मोहब्बत अहल बैत के सिलसिले में आपसे अदावत हुई, तो आपको शाहजहाँ के दौर में शहीद कराया गया, और आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कुश्त में से 27वीं कुश्त के तसव्वुर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात इस बारगाह की यह है कि जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा सलाम ने आपको अपना बेटा तसव्वुर किया है। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इबादतगाह, या जैसे हम ये कहेंगे एक ओरिजिनल तौर पे, क्योंकि आप यहाँ खुद मदफन है, इसलिए इसमें ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और आपका लकब शहीद सालिस इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले भी एक दो शहीद है, लेकिन खुदा की वबरकत से यहाँ पे हर मिलत के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसी कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि ये ऐसा दर है यहाँ पे जो भी आए मुरादे लेके आ रहा है, मुरादे लेके जा रहा है। और आपके दौर में आपने मतलब ऐसा कोई वो मसलक नहीं माना कि भाई पूरी इंसानियत के तौर पे आपने किताबें लिखी है, और इस वक्त हम तो शहीद से यही दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद आलम हर एक मोमिन की ज़्यारत नसीब करे। और मैंने यहाँ तक सुना है और किताबों में भी दर्ज है, कह रहे हैं कि जो अहल बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में होंगे, उनके मतलब उलमा होंगे, मुज्तहिद होंगे, तो अगर वो हमारे ज़ियारत नहीं आ सकते, अगर इनकी ज़ियारत पे आ सके तो उनकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के सवाब मिल जाए। और यहाँ तक कि मैं ये बात कहूँ कि जैसे यके जाफरिया में हमारे में कि दुआए खुमैल आप उम्र में एक बार या साल में एक बार, अगर साल में नहीं कम से कम महीने में एक बार, अगर महीने में भी नहीं तो हफ्ते में एक बार पढ़ सकते हो तो आपका बहुत। ऐसी ये एक ज़ियारतगाह है, यहाँ पे आप उम्र में एक बार कम से कम तशरीफ लाए और ज़ियारत से फैज़ होंगे।